नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को पूरन माता मंदिर जो पूर्णिया में स्थित है माता का दर्शन कराऊंगा। तो आइए चलते हैं, मंदिर में चलते हैं। माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं, आप अंदर देख सकते हैं, माता का दर्शन आप कर सकते हैं। पूरन देवी माता मंदिर है जो अति प्राचीन है, लगभग 500-600 साल पुरानी। तो थोड़ी सी यहाँ के पुजारी बाबा जो हैं उनसे इस मंदिर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। पूरन देवी माता मंदिर पूर्णिया में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ के पुजारी जी के पास हम बैठे हुए हैं। थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में पुजारी जी से पूछते हैं, पुजारी जी बताएंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। बाबा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह मंदिर कितनी पुरानी है और माता की भक्ति के बारे में, माता के बारे में कुछ हमें बताइए। यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है। लगभग सौकत अलीचंग का राज जब चल रहा था उसी टाइम में बाबा हठीनाथ नाम के साधु तपस्या करते थे। तपस्या बहुत दिनों से करते थे। माँ पूर्ण देवी पीछे पोखरा है, उनको स्वप्न दिए। स्वप्न के द्वारा हठीनाथ नखीनाथ द्वारा मंदिर को स्थापना किया गया। बाबा, यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। किसी ने मुझसे कहा है कि इसी मंदिर के नाम पर पूर्णिया का नाम पड़ा है, सही बात है? ये बात सही है। पहले पूर्णिया जंगल के रूप में माना जाता था। जब पूरन देवी वहाँ की स्थापना हुई, धीरे धीरे पूर्णिया का नाम मंदिर के नाम पूरन देवी पर पूर्णिया रखा गया। चलिए बाबा, इतने जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बारा बिहार से आए हुए हैं और हमारे YouTube चैनल का नाम है अध्यात्म इंडिया। भारत के मंदिर प्रसिद्ध स्थल का हमें वीडियो दिखाते हैं, साधु संतों के वीडियो दिखाते हैं। इस मंदिर के बारे में एक संत अवधूत स्वामी श्री विनय ब्रह्मचारी जी महाराज मुझे बताए थे कि कहाँ पर हो पूछे, तो मैंने बताया कि मैं पूर्णिया में हूँ। तो बोले कि पूरन देवी माता का दर्शन जरूर करना, प्रसिद्ध मंदिर है। तो उन्हीं के आज्ञा से, उन्हीं के आदेश से हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे यह सौभाग्य है और आपसे भी मुलाकात हो गई और हमारे साथ हमारे दो मित्र भी हैं। एक ये हैं रामदयाल सिंह जी और पीछे एक महिला ही बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं कि आप एक भक्त और बैठे हुए हैं, ये लोग भी दूर दूर से आए हैं। और पीछे हमारे छोटे भाई रितेश पांडे हैं। तो संयोग से हम तीनों आदमी पूर्णिया में ठहरे हुए थे तो यहाँ पर माता का दर्शन कर लिए। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग भी माता का दर्शन कर लीजिए अच्छा से। Yeah.